गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मधु से पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समदर्शी। यह एक कहानी है और इस कहानी के रचयिता है हसन जमा। इस कहानी के रचयिता कौन है? हसन जमा। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि जिन लोगों के अंदर शारीरिक रूप से कुछ कमी होती है तो उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि इस कहानी में क्या कहा गया है। बंसी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वह सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। बंसी नाम का एक बच्चा होता है और उसको इस बात का दुख ना था कि वह उसके पास आंखें नहीं, यानी कि वह बच्चा जो है, बंसी जो है, वह नेत्रहीन होता है। उसकी नेत्रहीन यानी कि उसकी आंखें खराब होती है, लेकिन उसको आंखें ना होने का दुख नहीं था, बल्कि उसका मानना यह था कि संसार में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई कमी होगी। आज तक किसी ने ना तो मोहल्ले में और ना स्कूल में भी उसे चिढ़ाया और ना कोई उस पर कभी हंसा था। आज तक उस पर किसी ने नहीं हंसा था, ना घर में, ना मोहल्ले में, ना स्कूल में। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सबकी तरह सलामत हैं। उनके व्यवहार से यानी कि उसके साथ उसको कभी महसूस नहीं हुआ कि उसकी आंखें नहीं थी। लोग जो है उसके साथ मिलके रहते थे और उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी दोनों आंखें हैं और वह सबके जैसे ही है और वह सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश किया था, बंसी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। और लेकिन अब उसको महसूस होता था, क्यों? क्योंकि उसके कक्षा में एक सतीश नाम का लड़का जो है वो प्रवेश लिया था और तब उसको महसूस होना लगा कि उसके अंदर कोई चीज कुछ कमी है और उसके साथ ईश्वर ने उसको आंखें ना देकर अन्याय किया है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यही था कि दूसरे में जब कोई कमी देखता तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता। सतीश एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक कमी भी होती है। कौन सी कमी होती है? कि जब वह किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी देखता था तो उसके पीछे पड़ जाता। एक दिन तक आकर उसने कक्षा अध्यापक से जो है जिस तरह से
ज्यादा चोट लगी थी। एक दिन बंसी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आग में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल चला आया। उसकी घायल आंख पर अभी भी पट्टी बंधी थी। एक दिन बंसी जो है उसके घर सतीश के घर मिलने जाता है, लेकिन सतीश जो है मिलने से इनकार कर देता है। और कुछ दिनों के बाद जो है फिर जब उसकी आंखें थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो वह आंखों पर पट्टी बांध करके स्कूल आता है। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा हुआ अपने साथियों को आप बीती सुना रहा था। आप बीती यानी कि अपने आप पर बीती हुई जो घटना थी उसको आप बीती कहते हैं। तो जब वह कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा होकर कक्षा से बाहर जो है बरामदे में खड़ा होकर बंसी सतीश जो है उस पर बीती हुई घटना को अन्य बच्चों से बता रहा था। बंसी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आंख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ते से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई नजर तो आ रहा हूँ ना। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त बंसी, तुम्हारे शब्दों में समझ। तब बंसी को मौका मिलता है और वह चुपचाप जाकर बंसी के जिस आंख पर सतीश के जिस आंख पर चोट लगी होती है उस आंख की तरफ खड़ा हो जाता है और उसकी बातों को सुनता है और जाकर अपने कहता है, क्यों तुम मुझे पहचानते हो ना, मैं हूँ बंसी तुम्हारा दोस्त बंसी, और तुम्हारा दोस्त बंसी हूँ और तुम जिसको तुम्हारे शब्दों में संघर्षी यानी कि तुम जिस नाम से बुलाते थे मैं वही संघर्षी हूँ। सतीश गुस्से से बोला, संघर्षी जो है वही रहेगा, दो चार रोज में पट्टी खुल जाएगी फिर देखना कि संघर्षी कौन है। अब सतीश का मकान उस समय भी नहीं छूटता है और वह सतीश गुस्से से बोलता है, संघर्षी जो है वही रहेगा, दो तीन दिन के बाद पता चलेगा कि कौन संघर्षी है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी न थी, आंख बुरी तरह लाल थी, असहनीय दर्द हो रहा था। दूसरे दिन जब वह स्कूल आया तो उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी, उसकी आंखें लाल थी और वो असहनीय थी, उसकी आंखों पर दर्द भी था यानी कि असहनीय यानी कि जिसको हम बर्दाश्त ना कर सके। तो उसकी आंखें लाल भी थी और उसको दर्द भी असहनीय थी। मम्मी ने समझाया भी था लेकिन वह ना माना था और पट्टी फेंककर स्कूल चला आया। मम्मी ने उसको समझाया लेकिन वह क्रोध में आकर आंखों की पट्टी को हटा देता है और पट्टी हटाकर वो स्कूल आ जाता है। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी उतार ली, कुछ हो गया तो। उसके अन्य दोस्तों ने उसको समझाया, तुमने तो गजब कर दिया, अगर उसको कुछ हो गया तो। सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। डर से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित हो गया, उसे कुछ होश ना था यानी कि सारा दिन उसने उसी तरह से दर्द से उसने अपने समय को बिता लिया और जब वो घर जाता है तो वह सो जाता है, उसको होश ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है उसको। वह दर्द से इतना बेकाबू हो गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया गया, कब आंख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता ना था यानी कि वह दर्द से बेहोश हो गया। और कब डॉक्टर आए, कब मम्मी पापा आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ तक भी उसको पता नहीं चला। डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्तों में से थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे, ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन काम हो। जब थोड़ा बहुत उसको होश आया तो उसके पापा के डॉक्टर जो थे उसके पापा के दोस्त होते हैं और उसको यानी कि सतीश के पापा को वो डांट रहे थे, कहते कि अब दुआ रखो कि ऑपरेशन काम है। आपकी झिल्ली से खून रिस रहा था जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है यानी कि आंख की झिल्ली होती है, अगर वो झिल्ली फट जाती है तो खून रिसता है, खून निकलता है और उसके लिए क्या करना होता है, ऑपरेशन करना होता है। और आपकी झिल्ली से खून रिस रहा था जो बड़ा ही खतरनाक होता है।
सुनकर सतीश डर गया, उफ अब मैं क्या करूं। सुन ये सुनकर सतीश डर जाता है और सोचता है कि उफ अब मैं क्या करूं, क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा। तब वह सोचता है कि क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा, सब मेरी ही गलती है, मैं ही बंसी को तंग करता था, उसने तो हमेशा सहनशीलता से काम लिया था। यानी कि तब उसको अपनी गलती का महसूस हुआ कि सब मेरी ही गलती है, और तब उसको एहसास हुआ कि मैं बंसी को हमेशा चिढ़ाता था, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ सहनशीलता से पेश आता था। मैंने ही भूल की, काश मैं ही दो चार दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता, काश मैं भी उसके तरह दो चार दिन सहन कर पाता। आंखों से पट्टी न खोलता, अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं आंख चली गई तो। वह इन्हीं विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया, वह अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो मन ही मन सोचता है कि ये सारी गलती मेरी ही थी, अब अगर ऑपरेशन से ठीक नहीं हुआ तो मेरी आंखें खो गई तो, अब किन विचारों को लेकर उसको नींद आ जाती है। सुबह जब उसे अस्पताल से ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुंह से कुछ ना बोला। सुबह जब हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो रही थी तो वह अपने मुख से कुछ नहीं बोलता है। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा, अब तो 15 दिन पट्टी न खोलने दे। ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में जो है उसको क्या होता है, ऑपरेशन सफल भी होता है और डॉक्टर अंकल उसके यानी कि सतीश के पापा को बधाई भी देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं 15 दिन जो है पट्टी मत खोलने दे। पापा हर्ष विवल वो उस कुछ कहने जा रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठा। पापा हर्ष यानी कि खुशी के साथ कुछ कहने जा ही रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठता है, डॉक्टर अंकल जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूंगा। और सतीश जो है पापा के कहने से पहले ही वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर अंकल जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी तब तक मैं पट्टी नहीं। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वह विभिन्न विचारों में खोया था। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही उतने दिन सतीश जो है वह विभिन्न तरह तरह के विचारों में खोया रहता था। समदर्शी अब उसे बंसी के नाम से याद आता था, यानी कि जिस बंसी को वह समदर्शी के नाम से पुकारता था अब उसको किस नाम से वह जानता था, बंसी के नाम। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वह विभिन्न विचारों में खोया रहा, संदर्शी अब उसे बंसी के नाम से याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले बंसी के बारे में पूछा। जब उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं तो जब वह स्कूल जाता है तो अपने अन्य दोस्तों से सबसे पहले वह बंसी के बारे में पूछता है। इतने में बंसी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। इतने में क्या होता है कि वह लपक कर बंसी जो है आता हुआ दिखाई देता है और सतीश उसके पास जाकर उसको अपने बाहों में भर लेता है। मेरे अच्छे दोस्त मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चुनाऊ। यानी वह जो है बंसी से सतीश जो है बंसी से माफी भी मांगता है और वह ये भी कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब मतलब मेरी गलती है, अब मैं तुमको कभी भी नहीं चुनाऊंगा। तो बच्चों समदर्शी यानी कि सबको एक आंख से देखने वाला, यानी कि समदर्शी यानी कि हमें कभी भी किसी के अंदर किसी भी रूप का शारीरिक कोई भी कमी अंदर है तो उसको लेके हमको चढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों